सभी को नमस्ते। तो कल हम लोगों ने स्टेप टू को डिस्कस किया था, अभी हम अभ्यास दो कर रहे हैं। अभ्यास दो में मैं द्वारा शरीर को देखने का काम कर रहे हैं और उसका अर्थ यह है कि चैतन्य द्वारा जड़ को देखने को, जड़ को समझने का काम कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हमने स्टेप वन में जड़ चैतन्य इन दो वास्तविकताओं को अलग अलग पहचानने का अभ्यास किया, मैं हूँ और शरीर है। अब ये मुझे कैसे पता लगता है, इसको हम लोगों ने थोड़ा ओपन अप किया था कि अल्टीमेटली मुझे अपने होने का पता कैसे लगता है। लगता है कि मुझे अपने होने का पता अपनी क्रियाओं को देखने से लगता है। और शरीर के होने का पता कैसे लगता है, तो शरीर से मिल रही संवेदनाओं को पढ़ने से पता लगता है। तो इससे ये धीरे धीरे पता लगता है, अगर इसको जितना ही इंटेंसिवली करेंगे कि मैं और शरीर ये दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं, संवेदना एक तरह की क्रिया है और मेरे में जो क्रियाएं हो रही है चैतन्य क्रियाएं हैं वो अलग तरह की है, तो ये बात हमें अपने आप में स्पष्ट हो सकता है। इसको हमने स्टेप वन पे देखा और इसको अपने आप में एक तरह से बना के रखना है। तो शरीर से आने वाली संवेदना पे ध्यान को बना के रखना है, जैसे हम लोग अपने भाव पे ध्यान बना के रख रहे थे अभ्यास एक में, वैसे ही अभ्यास दो में शरीर से आने वाली संवेदना पे ध्यान बना के रखना है, क्योंकि उसी का अध्ययन करने वाले हैं अभी आगे। फिर इसमें स्टेप टू में हमने जो आदान प्रदान हो रहा है उसको देखा कि मैं शरीर के आदान प्रदान क्या हो रहा है। तो दिखता है कि जो आदान प्रदान है सिर्फ सूचनाओं का है, मैं शरीर को सूचना देता हूँ और शरीर में होने वाली क्रियाओं को मैं सूचना के रूप में पढ़ता हूँ। तो मेरे और शरीर के बीच में कोई भौतिक रासायनिक आदान प्रदान नहीं हो रहा, सूचनाओं का हो रहा है और ये मैं आवश्यकता अनुसार करता हूँ। इसमें उन्होंने एक असाइनमेंट ये भी लिया था कि कल हमको दिन में कुछ समय धीमी गति से काम करना है और फिर अपने को ऑब्जर्व करना है ना, कि मेरा रोल क्या है, बॉडी का रोल क्या है, बॉडी में क्या हो रहा है, मुझ में क्या हो रहा है। कई बार क्या होता है कि झटके में जो हम काम कर रहे होते हैं तो हम अनअवेयर ढंग से काम करते जाते हैं, पता नहीं चलता कि मेरा क्या रोल था, बॉडी क्या रोल था, क्या मैंने किया, क्या बॉडी ने किया ना। अब इसको और ऑब्जर्व करेंगे तो और नए तरह के प्रश्न बनेंगे, इसको आज हम लोग टेकअप भी कर सकते हैं जितने भी तरह के प्रश्न बनते हैं जी। तो कल के ऑब्जर्वेशन से जिनकी निगाह कोई प्रश्न हो हैंड रेज कर सकते हैं। कल का जो सेशन में ऑब्जर्वेशन करना था भैया, तो सेल्फ ही बॉडी को इंस्ट्रक्शन दे रहा है और बॉडी उसके हिसाब से जा रही है, लेकिन कुछ एक्शंस जैसे ब्लड सर्कुलेशन है या फिर डाइजेशन का इंटरनल केमिकल रिएक्शन चल रहा है, तो वो तो मतलब सेल्फ के इंस्ट्रक्शन से चल रहा है या वो फिजियोकेमिकल थिंग हो रही है अंदर हमारे जी। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, पहले हम रैशनल लेवल पे समझते हैं कि इसको कैसे हम स्पष्ट करेंगे अपने आप में। तो जैसे पेड़ पौधे को देखें तो वही प्राणावस्था की इकाई है, शरीर को जितना हमने समझा है शरीर भी एक प्राणावस्था की इकाई है। तो आप देखिए तो पेड़ पौधे में रेस्पिरेशन हो रहा है ना, उसमें भी सर्कुलेशन हो रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम उसमें भी है जिसके तहत पानी और खनिज लवण ये सब ऊपर चढ़ते हैं ना, तो बहुत सारा सर्कुलेशन उसमें भी हो रहा है। तो ये क्रियाएं तो प्राणावस्था में यानी जिन इकाइयों में प्राण है वो होता ही है, रचना अलग प्रकार की हो सकती है परंतु ये होते रहते हैं। तो वैसे हमारे शरीर में भी हो रहे हैं, हमारे शरीर में भी सांस आ रहा है जा रहा है, हमारे शरीर में भी सर्कुलेशन हो रहा है ठीक। फिर फर्क कहाँ पड़ता है, फर्क पड़ता है कि अब चूंकि मैं जुड़ा हुआ हूँ और मेरे अंदर एक स्वीकृति है इस शरीर के प्रति, तो मैं इसको प्रभावित करता हूँ। तो एक तो चलता रहे उसकी स्वीकृति दे के रखता हूँ, तो मेरी स्वीकृति के साथ ये सब कुछ हो रहा है ठीक है ना। और चूंकि साधन के रूप में प्रयोग करता हूँ तो उसको अपने ढंग से चलाता भी, तो ये ऐसा हो जाता है। तो ये जो मेरी स्वीकृति है, तो अभी हम जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोलते हैं कि वो सेल्फ के मतलब हमारा कंट्रोल नहीं है खाने पीने के ऊपर इसलिए हो रहे हैं, या फिर हम हमारी लाइफस्टाइल ठीक से नहीं जी रहे हैं। तो मैं जब समझती हूँ कि ये सही है, अभी यूएचवी के वजह से हमें पता चला है कि हमारी लाइफस्टाइल कैसे होनी चाहिए जिससे बॉडी ठीक से रह पाए, लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है कि ये इस सेल्फ को किसी की कंट्रोल की भी जरूरत है, मतलब अंडर ऑब्जर्वेशन वो अच्छे से काम कर रही है और जब वो कंट्रोल छूट जा रहा है तो वो फिर से बैक संस्कार में जा रही है। तो यहाँ पे क्या सेल्फ का ही यहाँ पे तो सेल्फ का ही डिसीजन हो रहा है ये देख रही हूँ,
लेकिन ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि क्यों हम, अगर फोर्सफुली डॉक्टर ने कहा है तो ही हम कंट्रोल में रहते हैं, और फिर बाद में हमारा फिर से कंट्रोल चला जाता है, फिर से हम तबीयत खराब हो जाती है, फिर से हम कंट्रोल लाना चाहते हैं, तो ये क्यों हो रहा है भैया? मतलब इसलिए क्योंकि अभी हमको सुख की आशा वहां बनी हुई है, अभी हमको कंट्रोल इसलिए करना पड़ता है क्योंकि सुख की आशा वहां बनी हुई है, तो शरीर से कोई अनुकूल संवेदना मिल जाती, दूसरे से कोई अनुकूल भाव मिल जाता है ना, उसके लिए वैसे अवसर बन जाते, वो हमारे अंदर वो आशा बनी हुई है, तो अभी हम सुख की आशा से तो जीते ही हैं। अगर सुख का सही समझ सही भाव नहीं है तो बाहर से कुछ पाकर सुखी होने में लगे रहते हैं। प्रस्ताव जब मिलता है तो विश्लेषण करते हैं, फिर अपने अंदर विश्लेषण, ये तो परतंत्रता है ना, इसमें निरंतरता नहीं है, निश्चितता नहीं है, परंतु जिसमें निरंतरता है, निश्चितता है ना, स्वतंत्रता है, वो तो हम देख नहीं पाए है ना, पूरी तरह से नहीं देख पाए हैं, बट हमको सुखी होना है, तो वो स्रोत तो खुला नहीं हमारे लिए, तो जो खुला हुआ है उस पे चले जाते हैं। तो भैया पहले एक्सरसाइज में हमने जो विचार, मतलब इंफॉर्मेशन मैंने ली थी कि मैं भाव के साथ जी रही हूँ या विचारों के साथ जी रही हूँ, तो विचारों का हमारे बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, तो मैंने उसको भी ऑब्जर्व किया कि मेरे में कौन से विचार चल रहे हैं जिसका मेरे बॉडी पे इफेक्ट हो रहा है। लेकिन विचार तो चलते ही रहते हैं भैया, उसको भी तो राइट डायरेक्शन देना जरूरी है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा मैं अटक गई हूँ कि या इमोशंस में रहना चाहिए या विचारों को कैसे, मतलब वो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है भैया। जी, तो विचारों का भी प्रभाव पड़ता है, और विचार जो कि भाव से ही तय होते हैं, तो भाव का भी प्रभाव पड़ता है ना? तो हम उसको विचारों में लय तभी हो पाता है जब भाव में लय होता है, और भाव में लय तभी हो पाता है निरंतरता में जब समझ हो पाती है। ओके, तो हमने समझा नहीं है तो वो लय टूटता रहता है, उसका शरीर में प्रभाव पड़ता रहता है। देखिए, किसी भी क्षण में ऑब्जर्व करेंगे ना, तो हम एक ऐसी स्थिति को ढूंढ रहे होते हैं जिसमें हम आराम में हैं, उसी को सुख कहते हैं, जिसकी मैं निरंतरता बनाए रख सकता हूँ, तो हम उसको अपने आप में हमेशा ही एक्सप्लोर कर रहे होते हैं या हमेशा उसके लिए काम कर रहे होते हैं। उसमें भी देखें तो सुख अगर पता न लगे तो दुख से हम निकलने के लिए काम कर रहे होते हैं, तो ज्यादातर समय तो हम दुख से निकलने को ही सुख कहते हैं। कभी ये जो दुख है ना, बैठे हैं बोर हो रहे हैं तो लगा दुख होने लगा तो कुछ और कर लो, ठीक, विचार आया और विचार में विरोध तैयार हो गया है ना, चलो भाई कुछ और टीवी ऑन कर लो, कुछ ऑन कर लो, मोबाइल ऑन कर लो, है ना, इससे निकल जाएंगे। तो हम जनरली अगर देखें तो सुख की आशा तो होती है, बट जो प्रयास होता है दुख से निकलने का होता है, सुख को समझने का प्रयास नहीं होता है। इसलिए देखें तो हम लोग जो डे वन पे भी प्रश्न करते हैं वर्कशॉप, इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप में भी, कभी आपका प्रयास किस बात के लिए है? सुख समृद्धि को समझने के लिए है या सुविधाओं से पूरा होगा इसलिए सुविधा संग्रह के लिए? उसमें हम देखेंगे तो जहां भी हमको सुख की आशा लगी रहती है हम उसके लिए काम कर रहे होते हैं, वहीं पे लगा हुआ है, वहीं पे काम कर रहे थे। जब हमारी दिशा बदल जाती है, सही समझ सही भाव के समय होती है, तो वहां काम करते हैं, और अभी मिक्स चलता है तो इसका शेयर बढ़ता है, प्रोपोर्शन बढ़ता है उसका, जितना समय हम लगा रहे थे पहले बाहर से कुछ पाकर सुखी होने के लिए, अब उसे कम कर रहे हैं और अंदर के स्रोत को हम जागृत करने के ज्यादा समय लगा रहे हैं। जैसे अभी हम जो समय लगा रहे हैं ना, जो आप लगा रही हैं, तो कुछ अंदर का स्रोत जागृत हो जाए उसके लिए लगा रहे जी। हाँ भैया। सर, मेरा क्वेश्चन था कि कल जो एक्सरसाइज हमने करी कि धीरे धीरे काम करना है, सेल्फ को भी देखना और बॉडी को भी, तो मैंने देखा कि काम तो बहुत, दोनों की को एग्जिस्टेंस से काम बहुत अच्छा हो, और काम अच्छा हो और ज्यादा भी हुआ। क्वेश्चन ये है कि अगर को एग्जिस्ट हो बॉडी और सेल्फ में, तो आदमी शायद इंसान डबल काम कितना टाइम काम कर सकता है। मैंने देखा कि कल मैंने और दिन से बहुत ज्यादा काम करा और हार्मनी में करा, बहुत अच्छा भी लगा और किसी के साथ कोई शिकायत नहीं। और यहाँ पर आके फिर मेरा क्वेश्चन बना कि सेल्फ अगर हार्मनी में है तो बॉडी से कितना काम ले सकता है पर डे के हिसाब से। देखिए, शरीर की अपनी एक सीमा होगी, भौतिक रसायन इकाई है ना, शरीर की जैसी अवस्था है, यंग है कि प्रौढ़ है कि ओल्ड है ना, उसके अनुसार शरीर की अपनी कार्य क्षमता होती है।
जैसे अभी दौड़ने को कहा जाए पोटेंशियल होता है। हाँ जी सर, पोटेंशियल यानी कि हमने पर्पस प्रोग्राम बना के अपने पोटेंशियल को भी जांचा। बिल्कुल अभी रुक जाइए समझते हैं। अभी शरीर की बात हो रही है जी। तो शरीर की अभी बात हो रही है तो शरीर में अपना एक कार्य क्षमता है ना, जो पोटेंशियल अगर बोलेंगे तो फिर अभी शरीर के लिए बोलेंगे तो उसके कार्य क्षमता है। जैसे 15 साल के होते तो कोई कहता है 10 किलोमीटर दौड़ जाओ तो दौड़ जाते जी जी। 45 साल के हो गए तो नहीं कठिनाई होगी, फिर भी हो सकता है कि किसी तरह दौड़ जाए, और 85 साल के हो गए तो शायद नहीं दौड़ पाएंगे जी। तो शरीर की अपनी एक क्षमता है, ठीक है ना। शरीर की जैसी बनावट है, जैसी अवस्था, उसके अनुसार एक क्षमता बनी रहती है। दूसरी बात है मैं की, तो शरीर का हम कितना सदुपयोग कर पाते हैं वो निर्भर करता है हमारे समझ और भाव पे। तो पाएंगे कि कई बार शरीर तो नहीं थकता दिन भर के काम में, है ना, आप थक जाते हैं तो आपके अंदर बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं। जैसे मान लीजिए किचन का ही काम करना है, ठीक, तो एक मैं ही क्यों कर रही हूँ, बाकी लोग क्यों नहीं करते, ठीक, ये बैठ के तो सब टीवी देख रहे हैं और मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, उदाहरण के लिए। ऐसे 10 तरह के प्रश्न उठते हैं तो उसके बाद हम अपने विचारों से धीरे धीरे थकने लगते हैं। तो वहां पर शरीर नहीं थक रहा, हम अपने विचारों से थक रहे हैं। तो जब ये बात समझ में आती है तो हम समाधानित होते हैं, फिर जो विचारों की थकान चली जाती है, फिर तो एक ऐसी स्थिति भी संभव है ना जिसमें कि आप 24 घंटे जो विचार करते हैं, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था करते हैं, मानवीय परंपरा करते हैं, और उसी के लिए शरीर का सदुपयोग करते हैं, उसी के लिए आप सुविधा जुटाते हैं, उत्पादन करते हैं, उसी के लिए सुविधा का सदुपयोग करते हैं, तो इतनी तो पॉसिबिलिटी है ही कि 24 घंटे, है ना, और मतलब शरीर की जो भी अवस्था हो आपका एक्टिविटी लेवल इंटैक्ट रहता है। जब भी आप भाव विचार आपके अंदर होता है इसी अर्थ में होता है, तो आप तो हर क्षण इसके लिए योजना कार्यक्रम बना रहे होते हैं। शरीर की अपनी एक सीमा हो सकती है, एक सीमा के बाद जो ब्रेन है वो भी काम करने लगता है ना, ये हो सकता है, बट आप एक्टिव रहते हैं। अभी क्या है, शरीर तो सक्षम है बट आप उस तरह से एक्टिव नहीं रह पाते क्योंकि डिसहार्मनी क्रिएट हो जाती है अपने अंदर, कॉन्ट्रडिक्शन आ जाते हैं, है ना, थकावट हो जाती है, दुख हो जाता है, परेशानी हो जाती है, तो हम उतना एक्टिव नहीं रह पाते। तो हम लोग अगर थोड़ा सा और अगर अवेयर हो तो हम बहुत सारा काम सेल्फ और बॉडी से बहुत ही ज्यादा, जैसे आपने कहा ना अभी आपको बहुत काम करना है, वो एक जो वर्ड था ना आपका वो बहुत काम कर गया था कल की एक्सरसाइज में, वो काम वो नजर आया कि अभी आपको बहुत काम करना है। तो फिर वो मैंने धीरे धीरे सारा दिन स्लो एंड स्टडी करके दिमाग को भी हार्मनी में रिलैक्स में करा और बॉडी से भी वर्क करा, तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा सर। ये आपकी जो एक्सरसाइज रही मेरे लिए तो बहुत सही रही। भैया कल की एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशंस थे वो शेयर करना चाह रही थी जी। भैया पहली चीज जो ये थी कि मैं शरीर को निर्देश देता हूँ, तो ये तो बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जैसे सुबह उठना है या नहीं उठना है, किस दिन उठना है किस दिन नहीं उठना है, ये मैं ही निर्देश, मतलब मेरे निर्देश से ही शरीर इसका निर्वाह कर रहा है पहचान कर, और उठकर क्या करना है ये सब भी, सब किस तरीके से भागीदारी करनी है, किस तरीके से सबसे पहले उठकर क्या करना है, ये सारे निर्देश मतलब सेल्फ से ही आ रहे हैं, उस हिसाब से बॉडी निर्वाह करती है, ये सब ये दिखाई दे रहा है। और निर्देश जब मुझे आवश्यकता होती है तब मैं निर्देश तब सेल्फ निर्देश दे रहा है, और उस उन निर्देशों में शरीर से जो प्राप्त संवेदनाएं हैं उनको पढ़कर भी दे रहे हैं, लेकिन उन संवेदनाओं को भी मैं अपने आवश्यकता अनुसार पढ़ रहा हूँ, ये सब दिखाई देता है। और संवेदनाओं को पढ़ा है उसमें भी आवश्यक निर्देश जो है वो ही सेल्फ दे रहा है शरीर को, ये दिखाई दे रहा है। और शरीर की संवेदनाएं जो है वो जो मुझे जो शरीर की संवेदनाओं से सूचना मिल रही है, तो उन संवेदनाओं को पढ़ने का काम भी निर्णय पूर्वक होता है मुझे, ये दिखाई दे रहा है। और पहले जो एक स्थिति बनती थी जब हम इतने अवेयर नहीं थे, जितना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तब शरीर से जितनी संवेदनाएं आ रही हैं, जब भी संवेदनाएं आ रही हैं, तो उस सारी संवेदनाओं को पढ़ना बनता था,
लेकिन अभी निर्णय पूर्वक पढ़ पा रहे हैं, इस चीज को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, और उन्हीं संवेदनाओं को पढ़ना बनता है जिनको पढ़ना जरूरी लगता है सेल्फ को, और वो प्राथमिकताएं हैं, वो जो पढ़ना, कौन सी संवेदनाएं पढ़ना जरूरी है, ये भी सेल्फ की जो प्राथमिकताएं हैं उसके आधार पर निर्णय होता है। मेरी जो प्राथमिकताएं हैं, समझ को मैंने प्राथमिकता दे रखा है, तो समझ के लिए मुझे जो शरीर से प्रयास करने हैं, उस ड्यूरेशन में मुझे जो संवेदनाएं मिल रही हैं शरीर से, वही मैं, वही मेरा निर्णय होता है पढ़ने का, ऐसा मुझे अभी दिखाई दे रहा है। ये प्राथमिकताओं के लेवल पर ही मैं संवेदनाएं पढ़ रही हूँ। तो जो एक्टिविटी, जो एक्सरसाइज के लिए बोला गया था कि धीरे धीरे जब हम कोई क्रिया करते हैं तब और भी ज्यादा क्लियर होता है। अभी है जैसे किचन में खाना बनाना है, अगर हड़बड़ी में बना रहे हैं और मतलब ध्यान पूर्वक खुद पर ध्यान नहीं बना है, सेल्फ अगर में भटकाव है, तो सामान गिरना या कहीं जल जाना या कुछ जल या शरीर का जल जाना या खाना जल जाना, कुछ ज्यादा कम हो जाना, ये सारी चीजें जब हम बड़बड़ाहट में होते, हड़बड़ी में होते, तब ज्यादा होती है। और जब हम धीरे धीरे कर रहे होते तो हमारा शरीर भी वो जो पहचानना, निर्वाह करना, जो शरीर की क्रिया है, वो ज्यादा ठीक से हो पाती है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और अगर कल्पनाशीलता में बहुत सारी चीजें इकट्ठी चल रही होती हैं और हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे होते हैं, तो शरीर की जो एक्टिविटी है वो भी डिसऑर्गेनाइज होती है, ऐसा समझ में आता है। दूसरा भैया, एक हमेशा से एक दिमाग में बना हुआ था, जैसे जैसे एज बढ़ रही थी और शरीर उस तरह से चेंजेस आ रहे थे शरीर की क्रियाओं में, तो डॉक्टर से या दूसरों से ऐसा सुनने में आया कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स की वजह से बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो फिनोमेना भी अब धीरे धीरे पकड़ में आता है कि जब सेल्फ बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है, डिसऑर्गेनाइज है, मेरी कल्पनाशीलता, मेरे मतलब कल्पनाशीलता पर मेरा ध्यान बना हुआ नहीं है और उसमें कुछ भी चल रहा है, मैं संवेदनाओं को उस तरह से, संवेदनाओं पर डिपेंडेंट है मेरी कल्पनाशीलता, तो जैसी संवेदना को मैं प्रायोरिटी दे रही हूँ वैसा, तो क्योंकि शरीर मटेरियल इकाई है, मटेरियल यूनिट है, और वो पहचानना, निर्वाह करना करता है, उसके क्रिया है वही है। तो अगर सेल्फ उस डिसऑर्गेनाइज्ड संवेदनाओं में चलता है और उस तरीके की मान्यताओं में चलता है, तब बॉडी का जो पहचानना, निर्वाह करना है, वो शायद डिस्टर्ब हो जाता है, इस वजह से जिसको हम हार्मोनल डिसबैलेंस कह रहे हैं, वो भी सेल्फ की ही एक्टिविटीज के कारण बॉडी का रिफ्लेक्शन है, ऐसा दिखाई दे रहा है भैया। इस पर मुझे आपका भी मत चाहिए रहेगा कि मैं सही सोच रही हूँ या नहीं। दूसरा एक घटना मुझे शेयर करनी थी, उसमें मुझे बहुत क्लियरली अभी अभी इतने देर से जो मैं डिस्कशन सुन रही हूँ तब थोड़ा क्लियर भी हुआ है। परसों के दिन मेरी दीदी आई हुई है, तो वो एक टीवी पे प्रोग्राम देख रही थी। मैं टीवी बहुत कम देखती हूँ, बहुत ही कम देखती हूँ, दीदी वो देख रही थी और सबको साथ में बैठना निर्णय था कि पूरा परिवार साथ में बैठेगा, तो वो टीवी मैं भी देखती थी, जो भी कार्यक्रम उसमें चल रहा था, कोई वेब सीरीज। तो उसमें कुछ इतना अमानवीय और बहुत विभत्स मतलब सीन हुआ, तो उससे मेरी बॉडी पे इम्पैक्ट आया, मतलब एकदम से मुझे पैनिक अटैक जैसा आया, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा हुई, घबराहट होने लगी, और बॉडी पर उसका उतना असर आया कि मुझे मतलब उल्टी वगैरह जैसे हो गई, तो वो पसीना पसीना हो गया। वो घटना मैं बहुत अच्छे से समझ नहीं पा रही थी कि इतना ज्यादा इम्पैक्ट, ये बात समझ में आ रही थी कि वो जो मैंने देखा वो मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं था कि ऐसा होना चाहिए, और मुझे ये भी पता है कि वो एक तरीके का चित्रण है जो मतलब फेक है, जो कुछ भी दिखाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी मुझ पे इतना इम्पैक्ट क्यों आया, ये मुझे अभी भी उतना क्लियर नहीं हो रहा है भैया, बस ये शेयरिंग की है। जी, तो आपने जो पहली बात कही उसमें अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि मेरी जो कल्पनाशीलता की स्थिति होती है उसका शरीर पे प्रभाव पड़ता है, और प्रभाव में हार्मोनल चेंजेस भी शामिल है, हो सकते हैं, बिल्कुल है ना, सिक्रीशन कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे अगर हमारे अंदर बहुत ज्यादा तनाव हो तो मतलब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ठीक है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सिक्रीशन की मात्रा बदल सकती है, तो बिल्कुल पॉसिबल है।
तो मेरे अंदर जो कल्पनाशीलता की शक्ति होती है उस पर उसका शरीर प्रभाव पड़ता है, और शरीर में जो हार्मोनल चेंजेस नेचुरली हो रहे हैं उसका मुझ पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर हम उसको ठीक से समझ ना पाए, उसको ठीक से अर्थ ना दे पाए, तो उससे हम प्रभावित हो जाते हैं। जैसे आप पाएंगे कि विद एज हमारे बॉडी में हार्मोनल सिक्रेशन बदलते हैं, उसका मैं पे प्रभाव पड़ता रहता है कि नहीं, तो दोनों ही तरह से है। तो इसमें ये बात आपको दिखाई देगी कि अगर समझ नहीं है तो हमारी कल्पनाशीलता में अव्यवस्था बनी रहती है, उसका शरीर पे प्रभाव समय समय पड़ता रहता है। अगर समझ है तो व्यवस्था बनी रहती है, हार्मोनी रहता है, लय रहता है, संगीत रहता है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो जैसे अगर हम हर स्थिति परिस्थिति में समाधानित होते हैं, ठीक हमारे अंदर धीरता होती है, तो शरीर भी हमारा स्वस्थ बना रहता है। अगर हम अधीर हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं, तो उसका शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो दोनों ही तरह से मैं में अगर हार्मनी है तो भी शरीर प्रभाव पड़ेगा, मैं में डिसहार्मनी है तो भी शरीर प्रभाव पड़ेगा। और यदि शरीर की बात करें, शरीर में जो चेंजेस हो रहे हैं, तो यदि मुझमें डिसहार्मनी है तब तो मैं प्रभावित होता हूँ, बट यदि मुझमें हार्मनी है तो मैं प्रभावित नहीं होता हूँ। उसको मैं रीड करता हूँ सेंसेशन को, उसके अनुसार एक्ट करता हूँ, प्रभावित नहीं होता हूँ। अभी जो दूसरी बात आपने कही, तो अभी समाधान तो नहीं है स्वयं में, तो आपने जो भी वहां पे देखा, विभत्स दृश्य देखा, उस विभत्स दृश्य को देखकर आपके अंदर जो भी कल्पना चली है ना, उससे कुछ आपने अर्थ दिया, कहीं अपने आप से रिलेट किया, कहीं कुछ कल्पनाशीलता में गया है ना, जिससे आपके अंदर इतनी तीव्र प्रतिक्रिया हुई कि उल्टी जैसा होने लगा, तो आपके अंदर बहुत मान लीजिए घृणा का भाव जगा किसी दृश्य को देखकर, ठीक है, ब्लड शेड है या जो भी है, उसको घृणा का भाव जगा। तो जैसे ही घृणा का भाव जगेगा, अब घृणा तो हमको सहज रूप से स्वीकार नहीं है, तो उसका शरीर पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, तो पड़ा तो उल्टी जैसी लगेगी, है ना, ये बिल्कुल पॉसिबल है। बट यदि हम समाधानित हो, हम वो देख पाते हैं कि हाँ भाई अमानवीयता है, किसी भी हद तक हो सकती है, उसमें जो जड़ है उसमें जड़ परिवर्तन हो रहा है, जो चैतन्य है वो बना हुआ है, उसको हम देख पाते हैं, है ना, और फिर उसका हम समाधान को भी देख पाते हैं, और उससे पहले भी देख पाते हैं कि ये दृश्य देखना ही क्यों कि नहीं। बिल्कुल भैया, वही वो है, मैं वही शेयर किया कि मैं टीवी बहुत कम देखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि क्या कंटेंट सर्व किया जा रहा है, और चूंकि अब वो परिवार साथ में बैठा था, दीदी आई हुई है, उनका चॉइस रहता है देखने का, तो बोले कि बैठो तुम और ऐसा करके, तो सब बैठे थे तो देख भी रहे थे, और उस समय जो मेरे अंदर भाव आया भैया वो दृश्य देख के, वो ये था कि हम क्या देना चाह रहे हैं बाहर समाज को, और क्या ये क्यों जरूरी है ये सब दिखाना, किस तरीके की कल्पनाशीलता इंसान की हो रही है, ये कुछ तरह के भाव आए उसकी वजह से। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि शरीर ने उस तरीके के भावों को पहचाना और उसका निर्वाह किया, तो अब मुझे समझ में आ रही है भैया थोड़ी सी चीज, और ये भी आपने बिल्कुल जी जी ठीक है भैया, थैंक यू। बताइए बताइए, और कुछ आप ऐड करना चाह रही थी? हाँ नहीं भैया, वही था कि जो हार्मोनल चेंजेस मुझ पर जो प्रभाव डाल रहे थे अभी तक, वो मुझे जब से मैंने अभ्यास शुरू किया है तो तब से वो समझ में आता है कि मेरे अंदर डिसहार्मनी होगी तो बॉडी की जो फंक्शनिंग है, जो पहचानना निर्वाह करना है, वो भी उसमें भी डिसहार्मनी होती है, तो जो बॉडी में हो गया है उसको भी मुझे किस तरह से रीड करना है, कितना मुझे अपने ऊपर प्रभाव पड़ना है, ये सब चीजें भैया हो पा रही है अभी। भैया जी मेरी ये मेरी बिटिया का सवाल है, छोटा सा सवाल है, मैं उसका शायद जवाब कायदे से नहीं दे पाया था, तो मैं आपसे जानना चाह रहा था, ये बिटिया स्केटिंग करती है तो उससे बोला जाता है ना बॉडी बैलेंस बना के चलो, तो उसका सवाल मुझसे ये था, ये बॉडी में बैलेंस कहाँ पे होता है, मतलब अब छोटे बच्चों को कैसे समझाया जाए, या बॉडी किस तरह पे समझाया जाए, या मैं किस तरह पे समझाया जाए? जी एक तो बात यह कि बॉडी का बैलेंस बनाने का जो जिम्मेदारी है वो मैं का है, शरीर का नहीं, ठीक है ना जी भैया, तो मैं बैलेंस बनाता है शरीर नहीं। आप उसको टेक्निकली देखें तो बॉडी का बैलेंस तब बनता है जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो हमारे पैरों के बीच में होती है, अगर हम सीधे खड़े हैं तो, है ना, अगर हम झुक के हैं किसी का सपोर्ट ले लिया है तो उसे बाहर हो सकती है, बट इन जनरल जब हम स्केटिंग भी कर रहे हैं तो बैलेंस बनाने का मतलब इतना ही है कि दोनों पैरों के बीच में सेंटर ऑफ ग्रेविटी होनी चाहिए। और कई बार हम जब अपने को पुश देने का प्रयास करते हैं कि आगे की ओर चलें, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को थोड़ा आगे शिफ्ट करते हैं झुक कर, ताकि हमारी गति बने, क्योंकि गिरने की स्थिति बनेगी तब तक हम पांव आगे बढ़ा लेंगे, तो ये मैकेनिज्म होता है स्केटिंग में गति पाने का। तो
तो हम बता सकते हैं कि आप खड़े होकर देखो कि आप स्टेबल कब होते हो, बैलेंस कब होते हो, ठीक, जब आपका भार जो है वो पैरों के बीच में होता है, उसी चीज को स्केटिंग करते समय करना है। अब यदि हमको आगे की ओर गति पकड़नी है, बल लगाना है, तो हम थोड़ा सा आगे की ओर शिफ्ट करते हैं ताकि भार थोड़ा आगे की ओर शिफ्ट हो जाने से हमारी गति बन जाएगी, उसमें द्रुत गति बनेगी, इम्पल्स आएगा उसमें, कि नहीं इतना बता सकते हैं। तो ये हम लोगों ने कल असाइनमेंट लिया था, है ना, और जैसे साथियों ने शेयर किया, आप में से कई लोगों ने अपने काम को धीमी गति से करते हुए इसको ऑब्जर्व भी किया, बहुत अच्छी बात है, इसको हम लोग आज फिर से करके देखें, है ना। कल जिन्होंने नहीं किया होगा उसको आज फिर से करके देखें, जिन्होंने किया होगा दोबारा करके देखें, अपने देखें कि हम कैसे शरीर को संकेत देते हैं और कैसे हम शरीर में होने वाली संवेदना को पढ़ते हैं, उसको देखते हुए करेंगे, है ना, ठहर के करेंगे, कोई चीज उठाने से पहले देख लेंगे मैंने क्या किया, शरीर में क्या हुआ, रखने से पहले देख लेंगे, किसी वस्तु को देखने से पहले, अब है ना बारीकी से देखने से पहले भी तय करेंगे कि देखो मैंने निर्णय लिया इसको देखने का, किचन में काम कर रहे हैं चीनी कहाँ रखा है, ये हमारे अंदर पहले प्रश्न जगा है कि चीनी कहाँ रखा है, फिर मैंने आंखें घुमाई है, ठीक, फिर मैंने ड्रॉर खोला है, फिर मैंने ये देखा है वो देखा है, उसके बाद मैंने हाथों से चीनी के बर्तन को निकाला है या वहां पहुंचा हूं मैं पैरों से जहाँ चीनी रखा हुआ है, तो पहले मेरे अंदर निर्णय हुआ कि चीनी कहाँ रखा है इसको देखो। परंतु ऐसा हो सकता है कि दूध उफन रहा है, पहले वो दृश्य बन गया कि दूध उफन रहा है, ठीक, फिर मैंने निर्णय लिया कि दौड़ो और चूल्हा बंद करो। तो इसको अपने को बारीकी से देखना है कि कब मैं क्या कर रहा हूँ, कब शरीर क्या कर रहा है ना, किस गतिविधि में पहले मेरा रोल रहा, किस गतिविधि में पहले शरीर का रोल रहा, कि नहीं, बढ़िया, इसको हम ऑब्जर्व करते रहें। इनफैक्ट ये सारे स्टेप्स को हमको कंटिन्यू करना है, आगे सस्टेन करना है। तो जो आगे के स्टेप से तो पिछले के स्टेप शामिल है, तो मैं और शरीर की अस्वस्थता के साथ ही हम इस काम को कर पाएंगे। अब स्टेप 3 में ये देख रहे हैं कि निर्णय कौन लेता है, इसको देखना है, संकेत देने का और संवेदना को पढ़ने का निर्णय कौन लेता है, मैं या शरीर। तो शरीर को संकेत देने का निर्णय मैं लेता हूँ, ये अभ्यास 2 जो आपने स्टेप 2 आपने किया, इसमें भी वो क्लैरिटी धीरे धीरे बनने लगती है, बट इसको और बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे हम लोग स्टेप 3 में, कि है ना ये सिर घुमा भी चीनी का डब्बा कहाँ रखा है, ये अपने आप घूम गया या मैंने निर्णय लिया, ठीक, दूध उफन रहा है आंखों में दृश्य तो बना, बट दौड़ के जाना है या फिर मुझे है ना वहीं खड़े होकर देखते रहना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने दूध चढ़ाया होगा आप दौड़ के जाएंगे कि बंद करो कहीं है ना उफन ना जाए, सब कहेंगे कि देखो दूध गिरा दिया, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ, ठीक, और किसी और ने चढ़ाया होगा तो आप थोड़ा वेट करते हैं कि चलो बताएंगे आज सबको कि इनके कारण दूध उफन गया और फैल गया, कि नहीं, ऐसा होता नहीं होता है, वही दृश्य है आंखों में बन रहा है। तो हम निर्णय लेते हैं कि अभी मुझे दौड़ के दूध के है ना पतीले के पास जाना है या वेट करना है उफनने के लिए, और फिर सबको बताना कि हाँ हाँ देखो ये गलती हुई अगले व्यक्ति से। तो ये आप देखेंगे कि निर्णय मैं लेता हूँ शरीर को संकेत देने का, संवेदना को पढ़ने का भी निर्णय मैं लेता हूँ, जिस संवेदना को मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ उसे पढ़ने, तो संवेदना को पढ़ने के मामले में भी है ना आपका निर्णय रहता है कौन संवेदना को पढ़ना है। अब इसको जरा बारीकी से देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके पूरे शरीर में संवेदनाएं हो रही है, ठीक, उसको जब पढ़ना शुरू करेंगे तो पूरा शरीर आपको ऐसा लगेगा कि पूरे शरीर के हर एक कोशिका में कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है। जो भी धड़कन हमको शरीर के एक हिस्से में हृदय महसूस होता है, वो धड़कन आपको शरीर के हर एक अंग में हर एक कोशिका में महसूस होने लगता है जब आप ध्यान देते हैं। तो संवेदनाएं तो हो ही रही है ना, उसको आप विधिवत पढ़ने जाएंगे तो पढ़ भी पाएंगे, बट अभी जो हमको महत्वपूर्ण लगता है उतने को पढ़ते हैं। तो आपने शरीर को कहीं टिका दिया, ठीक, अब शरीर टिका हुआ है, जब पैर झनझनाता है तो हम उसको बदल लेते हैं, तब भी पैर में कुछ ना कुछ गतिविधि होती है, एक सीमा से अधिक जब झनझनाहट हो गई तो हमने फिर पैर बदल लिया, बैठे हैं पोस्चर बदल लिया, जब एक पोस्चर से संवेदना आ ही रही थी शरीर में क्रिया हो रही थी, जैसे हमको लगा कि ये क्रिया एक सीमा से अधिक हो गई फिर हम पोस्चर बदल लेते हैं। तो संवेदना को पढ़ने का निर्णय भी मैं लेता हूँ, जिस संवेदना को मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ उसे पढ़ने का निर्णय लेता हूँ। अभी लगे कि भाई बच्चे को स्कूल जाना है और नाश्ता टाइम पे बनना है,
ठीक है ना, और कल हो सकता है सब्जी काटते समय चाकू से उंगली कट गई थी, थोड़ी सी चुभ रहा है, बट आपका ध्यान है कि नाश्ता टाइम पे पैक हो जाए, बच्चे को स्कूल जाना है तो बच्चा दिन भर भूखा रह जाएगा, आप उसको प्रायोरिटी पे करते हैं। जब एक बार पैक हो गया, टिफिन चला गया, बच्चा निकल गया घर से, फिर आपको दिखता है वो कितना चुभ रहा है ना, उस समय तक ध्यान ही नहीं था क्योंकि वो महत्वपूर्ण नहीं था आपके लिए, आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था कि बच्चे का टिफिन समय पे पैक हो जाए। अभी महत्वपूर्ण हो गया कि भाई ये उंगली में दर्द हो रहा है, इसका उपाय किया जाए, है ना, लाओ कोई क्रीम लगाओ, दवा लगाओ। तो सूचनाओं के आदान प्रदान का जो निर्णय है पूरी तरह से मेरा है, इसको हम देख सकते हैं। जैसे हमने वहां पे देखा था अभ्यास एक में स्टेप फोर पे कि मेरे भाव का निर्णय मेरा है, वैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सूचनाओं का पढ़ने का, सूचनाओं का आदान प्रदान का जो निर्णय है वो पूरी तरह से मेरा है। निर्देश जो देता हूँ वो भी मेरा निर्णय है, जो संवेदना को पढ़ता हूँ वो भी मेरा निर्णय है। तो जो हम लोग शुरू में बात कह रहे थे कि सेल्फ इज सेंट्रल टू ह्यूमन बीइंग, मानव के होने में मैं केंद्र में हूँ, आपको और बारीकी से स्पष्ट होगा। भाव के अर्थ में भी मेरा निर्णय है, संवेदना को पढ़ने या सूचना देने को अर्थ में भी मेरा निर्णय है। तो मैं अपने निर्णय से ही सुखी दुखी हो रहा हूँ, मैं अपने निर्णय से ही शरीर के साथ कोई भी निर्वाह कर रहा हूँ, आवश्यकता अनुसार इस आदान प्रदान को मैं करता हूँ और सामयिक रूप से करता हूँ। हर समय शरीर को निर्देश देना पर जरूरी नहीं है, लिटा दिया शरीर को, अब लेटा हुआ है, अब क्या निर्देश देंगे, अब विचार कर रहे हैं अपने आप में, दिन भर जो हमने काम किया वो ठीक किया कि नहीं किया, है ना, आज हमारे बॉस ने या HOD ने या डायरेक्टर ने, है ना, जो फाइल चला दी उससे मेरा क्या होगा, है ना, मेरा नुकसान होगा कि फायदा होगा, हम सोच रहे हैं उसको, शरीर लेटा हुआ है, फिर लगा कि भाई कहीं पैर दब गया है लेटे लेटे, फिर करवट बदल लेते हैं दिन भर में, देखिए हम, है ना, या रात भर में सोते समय देखिए कितनी बार करवट बदलते हैं, दिन भर में हम कितनी बार पोस्चर्स बदलते हैं, तो जब आवश्यकता होती तो करते हैं और सामयिक रूप से करते हैं। हर क्षण पोस्चर बदलते रहते हैं ऐसा भी नहीं है, हर क्षण करवट बदलते रहते हैं ऐसा भी नहीं है, अगर कोई बार बार करवट बदला तो कहते हैं भाई इसके पेट में कुछ प्रॉब्लम है, है ना, पीड़ा है इसकी। तो सामयिक रूप से इस काम को करते हैं, निरंतर नहीं। और मैं शरीर को जैसा संकेत देता हूँ शरीर वैसा करता है, मैं शरीर को अपने निर्णय अनुसार चलाता हूँ, साधन की तरह प्रयोग करता हूँ। इस बात को हमको ऑब्जर्व करना है अपने आप में। कुछ हैंड्स रेज्ड हैं भैया, अभी जो वो बॉडी के बैलेंस के बारे में जो चर्चा हो रही थी उस संदर्भ में पूछना है कि बॉडी में कान में जो कॉकलिया होता है जो कि शरीर के बैलेंस के लिए ही वो काम करता है, तो अगर वो गड़बड़ा जाता है या फिर ब्रेन में शायद कोई ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है या कोई एक जो है वो भी बैलेंस को मेंटेन करता है, तो अगर ये गड़बड़ा जाते हैं तब तो बॉडी का बैलेंस अगर हम चाहें भी, सेल्फ चाहे भी, तो नहीं हो पाता है। तो ये थोड़े से मेरी कंफ्यूजन थी इस संदर्भ में, ये सेल्फ के चाहने पे भी अगर नहीं ये हो पाता है, ये शरीर की ये जो कुछ मान लीजिए ग्रंथियां हैं या ये कुछ ऑर्गन्स हैं, ये अगर डिसबैलेंस हो जाते हैं तो फिर वो शरीर पे भी प्रभाव पड़ता है, तो इसी संदर्भ में थोड़ी सी क्लैरिटी की। जी, तो शरीर की अपनी एक सीमा है, है ना, उस सीमा के तहत मैं निर्णय का शरीर से पालन कर पाता हूँ, तो भले ही मेरा निर्णय बना हुआ है बट शरीर की वो सीमा से बाहर हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, हम दो पैरों पे खड़े हो जाते हैं बड़ी आसानी से, घंटों खड़े रह सकते हैं कि नहीं, अब एक पैर उठा दिया जाए और कहा जाए शरीर को बैलेंस करो, कहीं दो चार मिनट में शरीर फिर हिलना डुलना शुरू हो जाए और पांच मिनट बाद गिर भी जाए, तो हुआ क्या, मेरा निर्णय तो बना हुआ है कि शरीर को बैलेंस रखना है बट एक पैर जो है हमने उठा दिया है, यानी शरीर का एक भाग ठीक से काम नहीं कर रहा, उदाहरण उसी तरह का है। वैसे ही हमारे बॉडी में जो सिक्रीशंस हो रहे हैं, ब्रेन में जो सिक्रीशंस हो रहे हैं, वो सिक्रीशन कहीं बाधित हो जाए तो अब जब मैं शरीर को संतुलित करने जाता हूँ तो नहीं हो पाता है, कुछ वैसा ही है। तो मैं संतुलित तो करना चाहता हूँ बट शरीर की क्रिया जो है प्रभावित हो गई है, शरीर की रचना प्रभावित हो गई है, तो नहीं हो पाएगा। भैया मेरा एक और डाउट है मुझे, जैसे बॉडी से जो संवेदनाएं आ रही हैं वो सेल्फ पकड़ रहा है और जो सेल्फ से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो बॉडी में एक्टिविटीज के द्वारा हम देख सकते हैं, तो क्या ये क्रिया हर क्षण नहीं हो रही है, क्योंकि बॉडी में तो बहुत सारे काम चल रहे हैं और सेल्फ में भी बहुत सारे काम चल रहे हैं, वो हर क्षण चल रहे हैं, पर जब हम अटेंशन देते हैं
तो ही हमें पता चलता है कि हाँ ये कार्य भी हो रहा है या प्रायोरिटी बेसिस पे पता चल रहा है, पर ये तो हर क्षण हो रहा है ना, हर ये जो इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान है। नहीं, आदान प्रदान को देखें तो हर क्षण नहीं है, बट शरीर में क्रिया हो रही है हर क्षण हो रही है तो ठीक है। शरीर की हर कोशिका में संकुचन प्रसारण कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन हो ही रहा है कि नहीं? हाँ जी, हर क्षण हो रहा है, तो शरीर में तो हर क्षण क्रिया चल रही है। बट मैं उसको पढ़ूं ये मेरा निर्णय है, तो हर बार नहीं पढ़ता हूँ, हर क्षण नहीं पढ़ता हूँ। तो शरीर किसी भी एक्टिविटी को देखें तो हम उसको समय के अनुसार आवश्यकता के अनुसार पढ़ते हैं। हाँ जी, तो हमारे जो पढ़ने का निर्णय है वो हर क्षण नहीं है, संवेदना को, संवेदना हर क्षण हो रही है, वैसे ही मुझे विचार हर क्षण चल रहा है, बट विचार के आधार पर शरीर को कोई संकेत देना है ये निर्णय हर क्षण नहीं हो रहा। जैसे आपने एक निर्णय ले लिया कि भाई है ना लेट जाना है, तो लेट गए आप लिटा दिया शरीर को, अब अपने आप विचार कर रहे हैं, फिर क्या निर्देश देंगे, कोई काम लेना नहीं है शरीर से। बट यदि शरीर को हमने कहा कि भाई एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठनी है, ठीक है, अब उस स्थिति में आप देखें तो आपको रीढ़ की हड्डी को सीधी बनाए रखने के लिए निर्णय लेते रहना पड़ता है। आप कई बार पाएंगे कि हम एक निर्णय लेते हैं कि रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठनी है, सिर को सीधा सामने रखना है ना, और अभी हमको बैठ के इस पोस्चर में ध्यान करना है फॉर एग्जाम्पल, और आप कहीं विचारों में जैसे ही खोए शरीर बकल कर जाता है आप देखेंगे जो पीठ है वो झुक जाता है, सिर झुक जाता है, हम नीचे को देखने लगते हैं। इनफैक्ट कोई व्यक्ति अगर बैठ कर ध्यान दे रहा हो तो विचारों में बह गया है या वो वास्तविकता पर ध्यान दे रहा है, उसके शरीर की अवस्था को देख के आप बता सकते हैं। अगर उसका शरीर झुक गया है, पीठ झुक गया है ना, तो काफी संभावना है कि वो विचारों में कहीं बह गया है। बट यदि उसका शरीर सीधा बना हुआ है, ठीक, तो ज्यादा संभावना है कि वास्तविकता पर ध्यान दे रहा है। तो क्या हुआ कि हमारे अंदर निर्णय बना हुआ है शरीर को सीधा बनाए रखने का, और उस निर्णय को हम बनाए रखे हुए लेटे हैं, तो निर्णय को बनाए रखने की जरूरत नहीं है, शरीर अपने भार से ही है ना बना हुआ है शरीर पे, उस पे बेड पे, और बेड उसको सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे ही अगर हम किसी आरामदायक पोजीशन बैठ जाए, टेक लगा के बैठ जाए, तो फिर शरीर को बार बार इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है, सीधा बैठते हैं तो इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, तो ऐसा रहता है। तो आवश्यकता अनुसार करते हैं, हर क्षण नहीं करते, न संवेदना को हर क्षण पढ़ते हैं न शरीर को हर क्षण संकेत देते हैं। ठीक है भैया, तो इसका मतलब क्रिया चल रही है पर निर्णय मैं ले रहा हूँ कि पढ़ना कब है। जी, तो मेरा मानना यह है कि जब हमेशा सेल्फ ही काम करता है तो कभी कभी बॉडी भी के अनुसार भी कुछ होता है क्या? अभी इन्हीं मुद्दों पे सारी बात हुई है ना। हाँ हाँ, हुई हुई, बराबर। चलिए, थोड़ा हम सुनते नहीं है, अभी जितनी हाँ। बात हुई, ये आपने जितने प्रश्न किए उन सबका उत्तर आया जी। तो एक तो ये है कि जो एक हम लोगों ने स्टडी किया कि अगर पेड़ पौधे को देखें तो उसमें बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं जबकि सेल्फ नहीं है, तो ऐसे ही मेरे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं, है ना, बस उसकी स्वीकृति बनी हुई है, मेरे निर्णय से हो रही है या मैं हर बार निर्णय ले रहा हूँ उसके लिए ऐसा नहीं है। हृदय धड़क रहा है ना, उसके प्रति मेरे अंदर स्वीकृति बनी हुई है, मेरे मैं हर बार निर्णय ले रहा हूँ हृदय को धड़काने का, ऐसा नहीं है। एक तो बात ये समझ में आई, दूसरा ये भी बात हुई कि मैं का शरीर पे भी प्रभाव पड़ता है, शरीर का मैं पे भी प्रभाव पड़ता है, तो समझ के अभाव में शरीर का मैं पे प्रभाव एक प्रकार से पड़ता है। समझ होती है तो हम प्रभावित नहीं होते, उसकी स्थिति को देखकर हम निर्णय लेते हैं कि अब इसका मुझे क्या सदुपयोग करना है जी। और जब समझ होती है तो हमारे अंदर हार्मनी होती है, तो शरीर पे एक निश्चित प्रभाव पड़ता है, शरीर में स्वास्थ्य बना रहता है। डिसहार्मनी होती है तो हमारे डिसहार्मनी का शरीर प्रभाव पड़ता है कि नहीं, ऐसा करते हैं। अभी हम लोग कुछ देर अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, इस निर्णय वाले भाग को देखना है, निर्णय वाले भाग को देखना है, और इस दौरान हमें कहीं बैठने की जरूरत नहीं है, हम कुछ काम भी करते हो सकते हैं, धीमी गति से करें और निर्णय को देखें, है ना, इस निर्णय को देखें कि कहाँ मेरा निर्णय शामिल है, संवेदना को पढ़ने में और शरीर को कोई इंस्ट्रक्शन देने में। पिछले 10 मिनट का ऑब्जर्वेशन के लिए कोई प्रश्न बना हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। यह एक बात फिर कंफ्यूजन में हो गई, यह इधर संवेदना शरीर में जब निरंतर हो रही है तो क्रिया पहली स्लाइड में जो लिखी थी मैं और शरीर के बीच में डिफरेंस वाला, तो उधर क्रिया के बीच में लिखा था, उधर मैं में क्रिया निरंतर हो रही है और इधर शरीर में क्रिया सामयिक
तो इन दोनों में फिर एक बार कंफ्यूजन हो गया है जी तो बेसिकली जो सामयिकता है वो इस अर्थ में है कि कोई भी क्रिया देखें तो निरंतर नहीं है, बट क्रियाओं का एक क्रम बना हुआ है। जैसे संकुचन और प्रसारण को देखें तो संकुचन निरंतर है ना प्रसारण निरंतर है, बट दोनों को जोड़ के देखें तो चल रहा है, जब तक शरीर चल रहा है चल ही रहा है कि नहीं जी भैया अब ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि इच्छा विचार आशा ये एक तरीके की क्रिया निरंतर चल रही है, लेकिन उसमें क्रिया तो चल रही है लेकिन वो क्रिया का प्ररूप बदल रहा है। हाँ, कोई भी क्रिया जो है वो निरंतर नहीं चल रही है, न संकुचन क्रिया निरंतर चल रही है न प्रसारण क्रिया निरंतर चल रही है, ऐसा है। उसमें भी लक्ष्य ये है ना कि हमको शरीर की सामयिकता दिख जाए, हमको शरीर का जड़त्व तो दिख जाए, इसको ध्यान आकर्षण करा रहे है ना। मूल रूप से जो बात दिखने में आएगी ये तो हमारे विचार में चला जाता है, हम इसको विश्लेषित कर लेते हैं। जो दिखने में आता है वो ये है कि मैं और शरीर अलग है, हम तो मैं और शरीर के बीच की दूरी को देख पाते हैं। इस पर आगे बात करेंगे। जी जी भैया, ये बात अब एकदम स्पष्ट हुई। ठीक हो गया, धन्यवाद। ठीक है, अच्छी बात है आपने कहा, नहीं तो है ना ये प्रश्न कई साथियों के अंदर रह जाता। शरीर क्रिया नियंत्रण, जब दीदी से बात कर रहे थे तो उसमें आपने क्रिया का ऐसे मैंने जो सुनने में आया शरीर में क्रिया निरंतर हो रही है, तो फिर कंफ्यूजन हो गया कि वो वहां पर क्रिया और यहाँ पर क्रिया में फिर क्या अंतर है। तो फिर एक बार आपने उस दिन दो दिन पहले रखी थी बात, लेकिन फिर मिस हो गया, जो आपने बोला कि प्रस्ताव को ठीक से सुनते नहीं, तो ऐसा हो गया था। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ठीक है बढ़िया भैया। कल भी यही प्रश्न था संवेदना वाला, तो जो संवेदना से जो सूचना है वो मेरे तक आती है, तो अब जो संवेदनाएं है वो शरीर के द्वारा आ रही है, तो स्पेसिफिकली शरीर की जो ज्ञानेंद्रियां हैं यानी मेरी स्किन है, मेरी आईज है, मेरे कान है, उनसे जो चीज आ रही है वो सूचना रूप में आ रही है। अब एक अभी यहाँ रुक जाते हैं है ना, वो एक भाग है, संपूर्ण नहीं है। तो जो ज्ञानेंद्रियों से सूचना आ रही है शरीर का जो वातावरण के साथ या दूसरे मनुष्य के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है उसके लिए है, पर तो शरीर के अपने आप में तो बहुत सारी क्रियाएं हो रही है ना। अच्छा, ज्ञानेंद्रियों का रोल नहीं है, उसको तो हम देख ही पाते हैं, उसको हम पढ़ ही पाते हैं। ठीक है भैया, यानी कि अभी हमें शरीर पे रोकना है आपका। जी अगर पेट ठीक नहीं है तो पेट से संवेदना तो आ रही है ना, आपको पता लगता है। हाँ बिल्कुल लगता है, मतलब मेरा प्रश्न ये था कि अभी जो हम संवेदना देख रहे हैं वो शरीर के अंदर तक ही लिमिटेड रखें, क्योंकि बाहर से जो देख रहे हैं वो भी संवेदना रूप में ही तो आ रहा है। आंख से मैंने कुत्ता देख रहा हूँ तो वो भी तो एक संवेदना ही आ रही है ना, या इसको क्लियर करेंगे थोड़ा। हाँ इसको भी हम लोग आगे भी और क्लियर करेंगे, यहाँ भी बता देते हैं। तो संवेदना देखें तो दो प्रकार से आ रही है, एक तो शरीर के भीतर होने वाली क्रियाओं से और दूसरा शरीर के बाहर होने वाली क्रियाओं का शरीर पे जो प्रभाव पड़ रहा है उससे, जैसे ठंडी हवा चल रही है ना, तो वातावरण में कुछ क्रिया हो रही है उसका शरीर प्रभाव पड़ रहा है। कोई व्यक्ति हमको कोई बात कह रहा है तो कोई व्यक्ति का हमारे कान पे ध्वनि आया उसके आवाज का उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो शरीर के अंदर कुछ क्रियाएं हो रही है, शरीर के बाहर क्रियाएं हो रही है, और शरीर के बाहर की क्रियाओं को भी दो भाग में रख सकते हैं कि अन्य मनुष्य के साथ जो क्रियाशीलता है हमारी वो, और शेष प्रकृति के साथ जो क्रियाशीलता है वो। तो इस प्रकार से देखें तो संवेदना के तीन स्रोत बन जाते हैं। ये बात स्पष्ट हो गई जी। तो भैया अभी हमें शरीर की क्रियाओं पे ही फोकस करना है ना अभी के अभ्यास में? अभी दोनों पे करना है ना, और मैं के रोल को मुख्य रूप से देखना है। अच्छा। आपको ये देखना है कि किस प्रकार से आप निर्णय लेते हैं शरीर को संकेत देने के लिए, किस प्रकार से आप निर्णय लेते हैं शरीर से आने वाली संवेदना को पढ़ने के लिए, उसको देखना है। ठीक है ठीक। तो ये बात आज हम असाइनमेंट रूप में लेते हैं, इसको आज हमको देखना है निर्णय वाले भाग को, है ना, कि किस प्रकार ये निर्णय हो रहा है, किस प्रकार मैं संवेदना को पढ़ने का निर्णय लेता हूँ, शरीर को संकेत देने का निर्णय लेता हूँ, और वो निरंतर ले रहा हूँ या समयानुसार आवश्यकता अनुसार कि नहीं। जितना इतना इस बात को ऑब्जर्व कर पाएंगे आपको शरीर एक साधन की तरह और स्पष्ट होगा। मैं ये बात रखना चाह रहा हूँ कि अभी मैंने गाड़ी चलाने का निर्णय लिया, मैं गाड़ी गाड़ी चलाने का निर्णय लिया, तो ये तो सेल्फ ने लिया। और गाड़ी जब मैं चला रहा हूँ तो उस पर स्टेरिंग पे मेरा हाथ है, ब्रेक पे पैर है, एक्सीलेटर पे पैर है, तो ये दोनों चीजें एक साथ हो रही है, तो ये सही बात कर रहा हूँ क्या मैं कि कुछ इसमें और कंफ्यूजन से हो रहा है? निर्णय से हो रहा है। हाँ जी जी जी। स्टीयरिंग पे जो हाथ गया आपके निर्णय से, ब्रेक पे जो पैर गया आपके निर्णय से, निर्णय से गया।
हाँ, तो पैर गया वो भी आपके निर्णय से। हाँ, और गाड़ी चलाने का जो निर्णय मैंने लिया वो सेल्फ ने लिया जी। बिल्कुल हाँ, ये एक अभी एक क्लियर हुआ जो आपने किया। रुके रुके, जी, सिर्फ गाड़ी जी, चलाने का ही नहीं, एक एक क्रिया जो आपने किया सारा निर्णय आपने लिया। जी जी, है ना, दाया पैर एक्सीलरेटर पर रखना है कि ब्रेक पे रखना है, ये निर्णय आपका है। जी जी, हटा के रखना है जी, है ना, स्टीयरिंग में सीधा रखना है या घुमा देना है गाड़ी को, ये निर्णय आपका है जी। आप ऑब्जर्व करें, कार को, गाड़ी को ड्राइविंग भी कर रहे हैं ना जी, तब भी जी। आप देखें, है ना, कार ड्राइव करें तो भी आप देखें कि किस प्रकार मेरे निर्णय से ही एक एक गतिविधि हो रही है। गाड़ी को मैं टर्न कर रहा हूँ, गाड़ी को मैं ब्रेक लगा रहा हूँ, गाड़ी को एक्सीलरेटर दे रहा हूँ, है ना, क्लच दबा रहा हूँ, ये सब मेरे निर्णय से हो रहा है, कुछ भी अपने आप नहीं हो रहा जी। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते। आज ये असाइनमेंट है जो सामने लिखा है, सभी को नमस्ते।